चिंता पाठ भी करोगे, झूठ भी बोलोगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दवाई भी ले ली, इमली भी खा ली। संयम के बिना नियम लाभ नहीं करना। संयम राम कृपा संयम यह न विषय की आशा। जिससे मन बिगड़ता है उस माहौल से, उन बातों से, उन दृश्यों से, उन किताबों से बच के रहे, उससे दूर रहे। और समय समय पर 2-4 महीने, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में जैसे ही अवकाश मिल जाए, कहीं भी मौका मिल जाए, अपने गुरु के चरणों में अथवा गुरु तुल्य विभूतियों के चरणों में जाकर के, गुरु समान जो कोई महापुरुष हो, जो कोई अनुभव सिद्ध विभूतिया हो, वहां जाकर के खुद का चेकअप करा ले। ऐसा करने से राग द्वेष से हम ऊपर उठ जाएंगे तो जीवन अयोध्या बन जाएगा, अयोध्या कांड बनेगा। क्योंकि राग द्वेष से मुक्त स्थिति में ही हमारी आत्म चेतना ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है, ऊपर की ओर जाएगी। जिसे ज्योत का प्रकाश ऊपर की ओर ही जाता है, ज्वाला ऊपर की ओर ही जाती है, उसी प्रकार हमारी आत्म ज्योत भी जाती तो ऊपर की ओर ही है, लेकिन राग द्वेष ईर्षा अहंकार उसकी आड़ में आत्म ज्योत का प्रकाश हमारी बुद्धि तक नहीं पहुंचता, हमारे आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचता, ऊपर की ओर नहीं जाता। ऐसे लोग शरीर छोड़ने के बाद भी ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं कर सकते, वो अंतरिक्ष में नीचे 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 ही घूमते रहते हैं। और इसीलिए जीवन में शंकर का होना, समता के लिए शंकर का होना जरूरी है, और समतायुक्त होना ही अयोध्या कांड है। दूसरे श्लोक में ऐसे समता को प्राप्त किए श्री राम प्रसन्नताम यानगताभिषेक तथा ममले वनवास दुखतः। राज तिलक की बात सुनकर भी वही प्रसन्नता, वनवास की बात सुनी तब भी राम जी की वही प्रसन्नता। ऐसे भगवान राम के श्री चरणों में गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि ऐसी मनोदशा आप अपने भक्तों को भी प्रदान करें। तीसरे श्लोक में युगल सरकार को नमन किया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामवा पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशम। श्री सीताराम को नमन करके अवध कांड के आरंभ में प्रसिद्ध दोहा रखा है,
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुवर विमल जसु छुदायक फल जारी। यहाँ श्री गुरु चरण सरोज रज करने का कारण है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए रामचरित मानस में से अगर कोई गुरु है तो श्री भरत जी है। गोस्वामी जी के गुरु नरहरियानंद जी महाराज है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग गुरुदेव ने भी कराया है तो भरत चरित्र के द्वारा। इसलिए अयोध्या कांड के अंत में तुलसीदास जी ने कहा विषय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, अगर भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो दुनिया का तो जो होना हो जाता, लेकिन कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। इस घोर कलिकाल में सठ तुलसी को राम सम्मुख कौन करता यदि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता। यानी कि भरत चरित्र ने गोस्वामी तुलसीदास जी को राम सम्मुख किया है। विमुख को सम्मुख करे वही तो गुरु है। गुरु का यही कर्तव्य है विमुख जीव को भगवान के सम्मुख कर दे, या फिर जो हमारे विमुख मन को भगवान के सम्मुख कर दे वो गुरुत्व है। जिसमें गुरुत्व होगा वही महापुरुष ऐसा कर पाएगा। बिना गुरुत्व का कोई नहीं कर सकता, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन अगर उसमें गुरुत्व प्रकट नहीं हुआ तो विमुख जीव को ईश्वर के सम्मुख नहीं कर सकता। अपने पीछे पागल कर सकता है लेकिन परमात्मा के चरणों में सम्मुख नहीं कर सकता। संतों का काम ये नहीं है कि वो दुनिया को अपने पीछे पागल करे कि हमारे पीछे दौड़ो, हमारे पीछे भटकते रहो, हमारे पीछे लगे रहो। संत को अच्छा ही नहीं लगता। अगर कोई पीछे लग भी जाए तो वो तो उसको कैसे भी करके दूर करेंगे। संत को तो इसी से आनंद आता है कि उनका सत्संग करने वाले लोग भगवान के सम्मुख हो जाए, भगवान के सम्मुख हो जाए, न कि उनके पीछे पड़े, भगवान के पीछे पड़े। क्योंकि प्रेम ऐसा एक